खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, स्पष्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। राज्यसभा चुनाव के बाद अब सूबे में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी बीच डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ किया है कि चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है उन्हें सरकार में तवज्जो मिलनी ही चाहिए, यानी सियासी जमीन पर रगड़ाई करवाने वाले कार्यकर्ताओं को सियासी नियुक्तियों में मान सम्मान मिलना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के सियासी गलियारों में फिर उठी चर्चा, मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा। माननीयों के लिए नई गाड़ियां भी करवाई जा रही तैयार। पहले पीसीसी में बदलाव, फिर नियुक्तियों का मिलेगा गिफ्ट। पायलट की जगह नया पीसीसी चीफ लाने की भी चर्चा। सरकार संगठन में बेहतर तालमेल के लिए गहलोत की राय अहम। तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा हो रही है। राज्यसभा चुनाव में सीएम गहलोत के नेतृत्व में फतेह हासिल करने के बाद कांग्रेस नेता राजनीतिक नियुक्तियों की बाट जोह रहे हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कह दिया है कि रगड़ाई करवाने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान देना जरूरी है। सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए उनको उचित पद मिले। उन्होंने जो कड़ी मेहनत करी है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर धरने दिए, प्रदर्शन किया, घेराव किया, रैलियां करी, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, घेराव किया, मतलब जिन्होंने रगड़ाई खाई है, उन लोगों की मान सम्मान की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। जाति और क्षेत्रीय समीकरण क्या रहेंगे, इसी पर सबकी नजर रहेगी। किसान आयोग, हाउसिंग बोर्ड, आरटीडीसी, बीज निगम, एससी आयोग, एसटी आयोग, महिला आयोग, देवनारायण बोर्ड, खादी आयोग, देवस्थान बोर्ड, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, सिंधी अकेडमी, केश कला बोर्ड, हिंदी अकेडमी, यूथ बोर्ड, क्रीडा परिषद, परशुराम बोर्ड, माटी कला बोर्ड समेत अलग अलग यूआईटी में नियुक्तियां होनी है, जिसके लिए रामेश्वर डूडी, प्रद्युम्न सिंह, गिरजा व्यास, घनश्याम तिवाड़ी, सुरेंद्र गोयल, मानवेंद्र सिंह, राजकुमार रिणवा, डॉक्टर चंद्रभान, डॉक्टर सहदेव चौधरी, राजीव अरोरा, रघुवीर मीणा, दुरू मियां, अश्क अली टाक, राजेंद्र चौधरी, सईद सऊदी, पुखराज पराशर, रणदीप धनखड़, धर्मेंद्र सिंह राठौर, संजय गुर्जर, शिवचरण माली, बद्री जाखर, रिहाना रियाज, महेश शर्मा, राजेश चौधरी, मुमताज मसीह, ज्योति खंडेलवाल, अर्चना शर्मा, सुशील शर्मा, रुक्षमणी सिंह, राजेंद्र सिंह सोलंकी, रामेश्वर दाधीच, सुनील परिहार, दिनेश खोडनिया, रतन देवासी, सीताराम लांबा, अमित पूनिया, घनश्याम मेहर, मकबूल मंडेलिया, सलावत खान, सुरेश चौधरी, सुरेश मिश्रा, सुरेंद्र सिंह जड़ावत, शंकर यादव, रामचंद्र सराधना, करण सिंह राठौड़, पंकज मेहता, हरिमोहन शर्मा, श्री गोपाल बाहेती, ललित भाटी, रामचंद्र चौधरी, कैलाश चंद्र मीणा, एस एन सिंह, सुनील पारवानी, शोभा डूडी, वीरेंद्र वैष्णव, आर सी शाह, कृष्ण मुरारी गंगावत, सुनीता भाटी, महेंद्र बरजोट रेस में शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों में दिल्ली की भूमिका अहम रहेगी। राजनीतिक तौर पर भी निश्चित ये सदस्य चलने वाली प्रक्रिया है और निश्चित रूप से जब एकता होती है और होता है तो जो लोग इस समय में समय के साथ सही दिशा में साथ रहते हैं उनके बारे में निश्चित रूप से पार्टी संगठन और नेतृत्व उनके लिए निश्चित रूप से विचार करता है और राजस्थान में भी इस प्रकार का विचार करके जो योग्य लोग हैं उनको उचित जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। आलाकमान की प्राथमिकता है कि नियुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शितापूर्ण और योग्यता के आधार पर हो। साथ ही ये भी कोशिश है कि नियुक्तियों का लाभ कांग्रेस को आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में मिल सके। योगेश शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।